ये बक्सी तालाब क्षेत्र का ढिलवासी गांव है और आप देख सकते हैं कि बरसात से किस तरह से पूरा एरिया जलमग्न हो चुका है। यहां पर एक भाई साहब भी निकल रहे हैं, इस पानी से होते हुए लोग निकलने में मजबूर हैं। क्यों भैया, क्या दिक्कत है यहां पर? यहां पे दिक्कत है, ज़्यादा बहुत दिक्कत है, पानी की दिक्कत। पानी जब बह रहा निकलने में दिक्कत आ रही। निकासी कहीं है नहीं? नहीं, कहीं नहीं निकासी है। तो उसके लिए आप लोग ने आगे बात किया? अभी बात की है, सबसे बात हुई, नप भी गई, वो कोई नहीं बनवाया अभी तक। मतलब ऐसे आए फॉर्मेलिटी के लिए, नप आपके चले गए? चले गए। तो देख सकते हैं इन लोग ने कहा कि शिकायत भी की है मगर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। क्यों भैया? सही बात है, करने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। हम भी कहा गया वो कहीं कब आएंगे, जब कब आए उनका टाइम मिले भाई, जब बिल पास उनका हो। विधायक जी को जानते हैं आप अपने? नहीं जानते। विधायक को जानते नहीं है? देखिए ये भी एक सच्चाई है, जन नेता जनप्रतिनिधि जिसको जनता जानती नहीं है, जो जनता के बीच में आता ही नहीं है, तो कैसे जीत गए थे? मोदी जी के नाम पे जीत गए थे क्या? आप पता नहीं भैया, और कौन सा 10-20 गज जीते तो है नहीं तो भैया, 10-20 गज है जीते तो है ना, बात जहाँ पर गए वहाँ पर जाए तो फायदा क्या है? तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार कल चुनाव है, आपके जहाँ जो इच्छा सबकी हो। विकास हुआ नहीं हुआ? विकास का हुआ? विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ? नहीं। क्यों भैया? जमीन पे काम हुआ नहीं हुआ? यहाँ कुछ नहीं काम हुआ। योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? लाभ नहीं मिल रहा। क्या लग रहा है इस बार फिर से चुनाव है? विधायक जी कह रहे हैं जानते ही नहीं, आते ही नहीं आपके क्षेत्र में। यहाँ उतर ही नहीं भैया, कोई कभी आए नहीं? क्या आप लोग क्या सोच के आप लोग चुनाव दे दिए, वोट दे दिए? वोट देने का पता नहीं कहाँ चली गई वोट, वोट मार दिन के बाद पता नहीं कहाँ जाते। क्या लग रहा है इस बार बक्सी तालाब की जो जनता है वो किसको अपना नेता बनाएंगे? साइकिल को बनाएगी कि कमल खिलाएगी कि हाथी इस बार आएगा कि पंजा आएगा? क्या लग रहा है? पंजा हाथी आ जाओ ना, वो पंजा हाथी आ जो ना है। हां, काम हम ठीक ठाक कर रहे हैं मैदान। हां सही बात भैया, यही आप। हां और का पंजा हो तो बढ़िया है। विकास हुआ है बाकी तालाब में? वही यहां नहीं बाबा भैया। हां तो विकास हुआ तो क्या लग रहा है योगी जी दोबारा से आएंगे? दोबारा नहीं है, यहां ही बैठे करें भैया। वोट नहीं मिली उनका? यहां वोट नहीं मिले? नहीं नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिली। क्या कुछ कारण हो सकता है? उस काम होने की आवाज मिली कहाँ? गैस कितनी महंगी गैस की है, हर चीज सब। सिलेंडर नहीं मिला क्या? नहीं, हमका कुछ नहीं मिला है। हाँ, रहा था हमका नहीं मिला। क्यों, आपको मिला? नहीं मिला भैया। तो क्या करती, चूल्हा जलाती है? चूल्हा नहीं जलाते, हम माल खरीदे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? इस बार योगी जी मतलब ठीक काम नहीं किए? ठीक है, जरूर किए, ठीक जरूर किए। आपको ललन कुमार? कौन कौन? ललन कुमार। हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। अब सुनवाई दे रही बढ़िया, अभी शुरू भी नहीं। अच्छा, हाँ क्या है कि क्या, कैसे आपने सुना है ललन जी का नाम, कैसे सुना है आपने? अब आओ बता, मीटिंग पर क्या नाम पंच? ललन कुमार के दी मीटिंग में? हाँ गए ना। तो भरोसा नहीं है? अब भरोसा का जब ब्लड पेपर से पर है तो भरोसा हो ही जाते है, और उसे मशीन द्वारा पर तो उनका पर उनके पर है, तो कहाँ जीते ना हाथी जीते ना जीते ललन कुमार जीते वो है मोदी। अच्छा, और कहा ये देखिए जनता जो है बहुत जागरूक हो गई है, क्योंकि वो बटन दबाएंगे कहीं और निकलेगा कोई और। हाँ, यहाँ निकलता है, यहाँ निकलता है मोदी के, यहाँ कोई समाधान नहीं करते कि जीता है, और ये हर समय जीत जाते हैं, तो कोई का बतावे भैया। अब हमका जैसा तुम कहो हाथे पर दे, तो हम हाथे बटन लगाएं दबाएं वह पहुँच के बजाय वहाँ मोदी के ऊपर, जो 10 वोट इनके पर तो 15। मोदी जी कोई दे दीजिए? नहीं मोदी वक्त वोट नहीं, नहीं मोदी के नहीं वहाँ मोदी पकाए बैठे हैं, और जो रहा खुआ फिर भी पकाए दे, फायदा का उनका दे है। हाँ, जनती जनता बची है वो कोरोना में, फिर ले जाए फायदा कौन है? कोरोना में कुछ आप लोग को सुविधा नहीं मिली? कुछ ना कहाँ मिला है, कहाँ मिला है, कुछ नहीं मिला है, बहुत दिक्कत रहा। क्यों अम्मा? हाँ भैया दिक्कत रहा है। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव ना वोट डालने जाती हैं? जाने का जाती है? जाते हैं। अच्छा, तो हाँ। किसको इस बार लोग जिताने का सोच रहे हैं? हाँ भैया तुम्हें जिताएगा? हमको जिताएंगे? हाँ। हम चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। मीडिया वाले हम पत्रकार हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जैसे एक होता है ना कि भाई पंजा भी आता कांग्रेस के जो हैं, है ना, जिस बार हाथी आता है लड़ता है, मोदी जी का कमल खिलता है, कमल उनका तो नहीं है? कमल खिलेगा नहीं? साइकिल अखिलेश यादव वाला? हाँ साइकिल चल रहा। हाँ अच्छा, देखिए कुछ लोग साइकिल भी चलाने की उम्मीद में हैं। क्यों, कुछ लोग और भी साइकिल भी चलाना चाह रहे हैं? अरे साइकिल ना मोटर है हमारे कार जी का मनवती का देवा। चलिए और भी लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए अम्मा आपको कितना उम्र है आपका? पता नहीं मेरे भैया।
आपको अपनी उम्र नहीं पता, मतलब एक होता है ना कि भाई 60-80 साल मिलने लगता है, वृद्धा पेंशन मिलने लगता है। आप अभी हमका बंजन कुछ नहीं मिलती है, नहीं घर उधर गिरा पड़ा तो हमका कोई सुनते नहीं, तो हमका का विधवा पेंशन मिली है? वो मिला चूल्हा, मिला चूल्हा, चूल्हा तो मिला रहे, हाँ हाँ गैस मिली रहे, चलाती है, गैस है तो कहाँ भरा मिली गरीब ने। पहले कितने का? पहले के 400-500 में हो जाते रहे, चार दुगना हो गया, दुगना हो गया, हाँ दुगना तिगुना होगा, चल दुगना का है भाई। अच्छा, तब तो भैया बड़ा गुस्सा होगा, गुस्सा का जैसे गरीब में नहीं भैया ऐसे मंजूरी कर रहे, हम तो कहाँ गए ना भरा पन तो क्या लग रहा है? चुनाव आ रहा है फिर से, तो अब जो सिलेंडर बांटेगा उसको देंगी, जो फ्री करेगा सस्ता कर देगा उसको देंगी, किसको देंगी? हाँ तो जो को सस्ता करे हमका देते का दिया, दिया और का हुआ? तो किसको लग रहा है किसको देंगी? हाथी देंगी, साइकिल देंगी, हाथी को देंगी, क्यों किसको लग रहा है? इस बार चुनाव जो है आप लोग को सुविधा विधा नहीं मिली? जो सुविधा जो कुछ मिल रही, कौन सुविधा मिल रही है? हम जो वाट हाथी पर दिया, हाथी पे आप लोग वोट? हाँ क्यों, आप लोग क्या सोच रही हैं? हाथी पर है, यहाँ के ग्राम निवासी थे, कह रहे हैं विकास जो है वो विकास नहीं हुआ है, जिसको लेकर के सोच रहे हैं। एक अम्मा है, अम्मा आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है भैया, हाँ। सारा योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सब कुछ है आप? हाँ भैया मिलते है, पिले सनी पाई थी भाई। वोट देने जाती हैं? हाँ जाते हैं, जब यहाँ पढ़ते हैं मैं स्कूल में तो नुहरे नुहरे भैया चले जाते हैं, जैसे नहीं जान पाए तो दूसरे डरवा लेते भैया। मतलब आपकी कोई मदद करता है जाने में, गांव के लोग मदद करते हैं? हाँ भैया हाँ। तो क्या लग रहा है इस पर किसको आप जिताने सोच रही हैं? हाँ तो भैया सब कोई जहाँ देता हम दे दिया ललुआ। अच्छा, हाँ उस समय लोग जहाँ बताएंगे वहाँ आप दे देंगे? हाँ भैया जैसे बताई हैं तो हाँ दे दिया भैया। तो ये गांव के लोग थे और ये हमने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर अगर विकास के जो दावे किए जाते हैं आप देख सकते हैं, ये जमीन पर होता फेल हुआ नज़र आ रहा है। गांव के लोग का ये कहना है कि जो अब किल बार जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव लाने की सोच रहे हैं। और मैं इस समय कौन सा गांव है भैया? डलवासी जो कि बक्सी तालाब, हाँ बिकट, हाँ 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 इटौंजा में लगता है, इटौंजा थाना है। तो इस गांव की ग्राउंड जीरो के जरिए मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा था कि सच्चाई क्या है, विकास कितना हुआ है और विधायक जी ने कितना काम किया है और लोग इस बार किसको जिताने का सोच रहे हैं, कौन सी पार्टी को लाने का सोच रहे हैं इस बार चुनावी मैदान में। बहरहाल आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ग्राउंड जीरो के जरिए हम सर्वे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं अभिषेक सिंह कैमरा पर्सन अनुराग के साथ, जेएमडी खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।